गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल हमने आपके कुछ क्वेश्चन आंसर के बारे में बात की थी, तो आज हम करेंगे आपके नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर के बारे में। ठीक है, कौन कौन से हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर आपके, देखिए और हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कल हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक बात की थी, तो आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। What is wrap text? What are the option that come under it? आप देखिए क्या पूछ रहा है, what is red text? मैंने आपको बताया था कोई भी एक ऐसा, जैसे कि हमने कोई ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, उसके चारों तरफ हम कैसे लिख सकते हैं, वो क्या होता है, टेक्स्ट रैपिंग। ठीक है, यानी कि रैप टेक्स्ट। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट के चारों तरफ लिखना, समझ गए। What are the option that come under it? इसके अंदर कौन कौन से ऑप्शन आते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, हमने सेलेक्ट किया आपका, इट हेल्प अस टू चूज अस टू चूज हाउ आवर टेक्स्ट देखिए क्या है हमारा, इट हेल्प अस टू चूज हाउ आवर टेक्स्ट रैप अराउंड the selected object। क्या कह रहा है ये कि रेड टेक्स्ट क्या होता है, हमें क्या होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के, जैसे मैंने बताया था ना कि हम हमारे पास जैसे हमने एक पिक्चर ले ली, ठीक है, कि इसके चारों तरफ हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इसके चारों तरफ, इसे हम क्या बोलते हैं, रैप टेक्स्ट। ठीक है, इसके चारों तरफ हम कैसे लिख सकते हैं उसे ही हम क्या बोलते हैं, रैप टेक्स्ट। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या है, व्हाट आर द ऑप्शन दैट कम अंडर इट। रैप टेक्स्ट के अंदर कौन कौन से ऑप्शन आते हैं वो देखिए आप। इट कंटेन ऑप्शन लाइक, कौन कौन से ऑप्शन आते हैं देखिए, लाइन विद टेक्स्ट, स्क्वेयर, टाइप, थ्रो, टॉप एंड बॉटम,
एक्सेट्रा, यानी कि कुछ ऑप्शंस ये है, देखिए लाइन द टेक्स्ट, एक ऑप्शन ये है, स्क्वायर का ऑप्शन है, टाइप, थ्रो, टॉप एंड बॉटम एक्सेट्रा, यानी कि इसके अंदर और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं जो रैप टेक्स्ट के अंडर में आते हैं। ठीक है, तो नोट कीजिए आप ये क्वेश्चन। हो गया सभी का? देखिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? व्हाट इज स्पेसिंग? क्या है व्हाट इज स्पेसिंग? देखिए स्पेसिंग क्या होता है, मैंने आपको बताया था स्पेसिंग क्या होता है कि किसी भी पैराग्राफ के बीच में, पहले या बाद में, जो हम स्पेस प्रोवाइड करवाते हैं, ब्लैंक जो स्पेस होता है उसे हम क्या बोलते हैं? स्पेसिंग। ठीक है, अब देखिए आंसर, देखिए इसका स्पेसिंग हेल्प अस टू हेल्प अस टू चूज अरेंज द स्पेस बिटवीन पैराग्राफ इन ए डॉक्यूमेंट। देखिए क्या कह रहा है, स्पेसिंग क्या करती है, जो पैराग्राफ की जो लाइंस हैं, पैराग्राफ है, जैसे एक पैराग्राफ हमारा ये है, एक ये है, इनके बीच में कितना स्पेस है हमारा, उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? स्पेसिंग का यूज करते हैं। ठीक है, यानी कि इन दोनों पैराग्राफ के बीच में कितना, ये देखो मान के चलो ये हमारा एक पैराग्राफ है, ठीक है, यहां पर हमारा एक पैराग्राफ खत्म हो जाता है, यहां से हमारा दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट होता है, तो इन दोनों के बीच में कितना स्पेस बचता है, इन दोनों पैराग्राफ के बीच में, इसे हम क्या कहते हैं? स्पेसिंग। ठीक है, आप देखिए इट हैज टू ऑप्शंस, फर्स्ट कौन सा है? स्पेस बिफोर पैराग्राफ था, दूसरा स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। ठीक है, क्या है? स्पेस बिफोर पैराग्राफ और स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। ठीक है, इन दोनों के बारे में भी हमने डिटेल से पढ़ा था, यानी कि पैराग्राफ से
पहले कितना स्पेस, पैराग्राफ के बाद में कितना स्पेस, ठीक है। तो नोट कीजिए आप इसको। हो गया सभी का? देखिए अब हम बात करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। क्या है हमारा? व्हाट इज हाइफिनेशन? हाइफिनेशन क्या है? हाइफिनेशन क्या है? मैंने आपको बताया था हाइफिनेशन का यूज हम कब करते हैं, जब किसी वर्ड को इधर उधर मूव करना हो, ठीक है, या नेक्स्ट लाइन में मूव करना हो, तो हम किसका यूज करते हैं? हाइफिनेशन का यूज करते हैं। तो देखिए इसका आंसर, व्हेन ए वर्ड मूव आउट ऑफ द स्पेस एमएस वर्ड नॉर्मली मूव moves it down to the next line. देखिए क्या कह रहा है ये, जब हम जैसे किसी के अंदर लिखते रहते हैं तो वर्ड उसके बाहर चला जाता है, तो हाइफिनेशन का हम यूज करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपके पेज के अंदर आ जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? हाइफिनेशन, ठीक है। और देखिए इट हैज थ्री सब ऑप्शन, कौन कौन सा इसके सब ऑप्शन? नन, ऑटोमेटिक, और मैनुअल। ये क्या है? इसके ऑप्शंस हैं। लिखिए आप इसको। हो गया सभी का? अब देखिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में, व्हाट आर ब्रेक्स? एंड इट्स ऑप्शन, मैंने बताया था ब्रेक क्या होता है, किसी चीज को तोड़ना, ठीक है। जैसे हम इस पेज के अंदर कुछ लिख रहे हैं, ठीक है, इस पेज को हमें डिवाइड करना है टू पार्ट में, तो हम किसका यूज करेंगे? ब्रेक का यूज करेंगे, और ये पेज अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम किसका यूज करते हैं? ब्रेक का। देखिए क्या इसका आंसर,
When we are typing, a document when we are typing a document word automatically add a page break at the end of each page. ठीक है, देखिए, when we are typing a document, यानी कि जब हम कोई डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं, जैसे मैंने बताया हमने एक पेज के अंदर एक डॉक्यूमेंट लिखा, word automatically add a page break, यानी कि वो एक पेज ब्रेक एड कर लेता है, यानी at the end of each page, जैसे ही हमारा ये लगा लो, हमारा ये पेज है, ठीक है, हमने सेट किया हुआ है कि हम यहां तक जैसे ही लिखते आएंगे तो हम ऑटोमेटिक नेक्स्ट पेज के ऊपर पहुंच जाएंगे, ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, पेज ब्रेक, समझ गए सभी। अब क्या कह रहा है ये, एंड इट्स ऑप्शन, इट हैज टू ऑप्शन, पहला क्या है हमारा पेज ब्रेक, दूसरा क्या है सेक्शन ब्रेक, यानी कि पेज ब्रेक ब्रेक के दो ऑप्शंस हैं, एक तो पेज ब्रेक और दूसरा सेक्शन ब्रेक, ठीक है। तो आज आपका चैप्टर टू कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, कल हम इसके प्रैक्टिकल के बारे में बात करेंगे कि हमने जितना भी पढ़ा है वो कैसे काम करता है, ठीक है, तो आप नोट कीजिए इसको।